हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग हम लोग करते हैं स्टार्ट। और आज ना अरू कहते कि मैं आपका ना व्लॉग जो है ना वो शूट करूंगी, और मैंने इसे बोला कि नहीं मैं खुद बनाऊंगी, मुझे खुद बनाने इनके हाथ में कैमरा पकड़ के खुद बनाने की आदत है, बट ये मेरी बात नहीं मान रही। तो अभी इसको चांस देते हैं, एक चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमारा जो है ना सारा व्लॉग जो है ना वो शूट करती है। आज ये मुझसे बहुत मार खाने वाली है, सच कह रही हूँ मैं। ये पकड़ो, चलो पकड़ो। तो अपनी फिंगर्स देखो तुम्हारी कितने जा रही हैं, हैं? तो गाइज हम लोगों ने पता क्या करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। अरुण मेरे पास आओ, क्योंकि यहाँ तक जहाँ पर तुम खड़ी हो वहाँ तक मेरे मोबाइल की आवाज मेरी नहीं पहुंचेगी। ना मुंह आ रहा है, तो इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे खुद इस एक साइड से बनाने दो। तो गाइज अभी हम लोग ने पता क्या करना है, हम लोगों के पीछे जो पर्दे शर्दे हैं ना इसको साइड पर करना है, और यहाँ पर ना हम लोगों ने दो काम करने हैं। एक काम ये करना है कि हम लोगों ने यहाँ से इस केज में जो छोटा केज लकड़ी वाला पड़ा है उसको उठा के ना तो दूसरी तरफ रखना है, ठीक है। और दूसरा काम यह है कि मैंने ना अपने इस केज के ऊपर ना यानी कि मास्टर केज पर ना हमारे ना तंत्र मंत्र थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, बर्ड जो है ना वो पता नहीं क्यों नहीं भर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना कुछ जादू शादू किया जाए। तो मेरी पोटलियाँ ही रह रहे हैं भाई, तो गाइज ये कुछ पोटरी हैं जो कि मैंने जादू जिन पर मैंने जादू शादू करवाया ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं ना वो बढ़े। तो इसको हम लोग ना अपने केज के ऊपर यहाँ पर ना लगाएंगे। आप जस्ट किडिंग, आप लोग समझ ना लेना कि वाकई खाने जो है ना वो जादू शादू करना शुरू हो गई है। इसमें जस्ट लहसुन है और फरनैल की गोलियाँ, तो वो मैंने सोचा कि यहाँ पर हम लोग अपने केज में रखते हैं ताकि ना जो मच्छर है ना वो ना बन सके, जो हमारे बर्ड्स हैं ना वो सही सलामत रहें, क्योंकि हमारी जो सील मुर्गी है उसके एक बच्चे की ना आँख ना उसकी ख़राब होना शुरू हो गई है। तो मुझे टेंशन हो रही है कि सारे जो बच्चे हैं छोटे चीक्स वो भी इसी तरह बीमार ना हो जाएं कहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग ना ये लहसुन जो है ना जल्दी से अपने मास्टर केज के अंदर इसको लगाते हैं ताकि जो मच्छर है ना वो पैदा ना हो सके, ठीक है। तो चलो आज अभी हम लोग अपने जो काम है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग ऐसा करते हैं ये सारी शीटें वीटें जो है ना इनको साइड पर करते हैं ताकि हवा जो है ना वो मास्टर केज में जाए, बाकी काम जो है ना वो बाद में कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अभी मैंने अरू को बोला कि तुम यार जाओ आराम सुकून से जाके यमनम के साथ वहाँ पर थोड़ी बदतमीजी करो, लड़ाई शड़ाई करो, तुम कहाँ मैं ये कामों में पड़ा गई है, तो इसलिए मैंने इसको भेज दिया। गाइस मैंने ना दोनों जो शीटें थी ना मैंने वो साइड पर कर दिया, यहाँ से भी शीट साइड पर कर दिया और वहाँ से भी कर दिया, और मैंने वो लहसुन वाली जो पोटलियाँ ना वो भी ना पूरे केज में लगा दिया ताकि ना मच्छर जो है ना डेंगी मच्छर जो है ना मॉस्किटो वो हमारे इस पूरे एरिया में बहुत ही ज़्यादा ना पैदा हो जाता है, बनता रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ना जल्दी से हम लोग ना कुछ ऐसा कर लें, जुगाड़ लगा लें, फिर स्प्रे वगैरह भी जो है ना तो करेंगे, और एक और काम करेंगे हम लोग किसी दिन अपने इस मास्टर केज के अंदर ना आग लगा देंगे ताकि मच्छर और जो उनसे भी अंदर जर्म्स वगैरह हैं ना वो सारे उड़ के फुर हो जाएंगे। तो वो भी हम लोग किसी दिन इंशाल्लाह करेंगे। मैंने ये सोचा था दिसंबर में व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पर आग लगाएंगे ताकि अंदर जो भी मच्छर शच्छर है जो भी जरासीम वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाए, मगर वो फिर नहीं पॉसिबल हुआ। तो इस दफ़ा तो हम लोग ज़रूर करेंगे ना, ठीक है, जैसे ही सर्दी आएंगे ना तब हम लोग करेंगे ताकि हम लोग कुछ धमाकेदार कर सकें, ठीक है। तो मैं अंदर काम कर रही थी यानी कि अंदर सारा कुछ कर रही थी और मुझे गाइस अंदर से क्या मिला आप लोग सोच सकते हैं? है? नहीं सोच सकते। हमारे पास चार मुर्गी हैं और उनमें से एक मुर्गी ने अंडा दे दिया, शुक्र है हमारी किसी मुर्गी ने सोचा कि भाई साहब चलो हम लोग कोई अंडे शंडे देते हैं कुछ करते हैं, भाई साहब कोई अंडे नहीं दे रही। चार मुर्गी हैं और काफ़ी यानी कि उनकी एज हो चुकी है कि वो अंडे देने, और इनफैक्ट काफ़ी एजड भी हैं वो, मगर भाई साहब मजा आ रहा है कि अंडे दे दें। तो आज पता नहीं किस मुर्गी को तरस आ गया और उसने ना एक अंडा जो है ना वो दे दिया, और इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे संभाल के ताकि हम लोग इसको नीचे लेके जा सकें और इसका हम लोग ऑमलेट बना के जहर सी बातें खाएँगे। तभी हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी मुर्गियों ना बाहर निकालते हैं क्योंकि इन सबको ना बाहर आना है। तो हम लोगों को ना अभी ये वाला जो केज है ना इस केज को हम लोगों ने करना है शिफ्ट भाई साहब दूसरी तरफ, समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, ये वाला जो केज है हम लोग उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, हमारे जो मुर्गे हैं ना इनको भी बाहर निकालते हैं और ये जो भाई साहब मुर्गे हैं इसको भी बाहर निकालते हैं। चलो आ जाओ। बिरू को इतना शौक है ना, कहता भाई साहब ये मुर्गा जो है ना इसको केज में ही रखना है, इसको बाहर नहीं निकालना, कहता बाहर निकलेगा ये वीक हो जाएगा, खाएगा नहीं पिएगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग ना इसको केज से बाहर नहीं इतना निकालते, ज़्यादा केज में ही रखते हैं। अच्छा चल आ जाओ ना कालू, कालू आ जाओ, चलो और बाहर
इस फाइनली वो वाला जो केज है ना वो खाली हो गया। अब इसको भी ना जल्दी से खाली करते हैं। इसके अंदर से ये दोनों हमारी जो मोरू हैं इनको निकाल के ना हम लोग पिजे वाली साइड पर रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सेफ्टी है। और इन हाय अल्लाह, इन्होंने यहाँ पर देखो अपनी जो टेल्स है ना वो तोड़ दी हैं दोनों ने पीछे से। इन्होंने क्या बदना फूलना है। बाहर क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, खुद ही बाहर आ जाते हैं। इनको पकड़ना है ना फिर। चलो भाई एक को पकड़ा बड़ी मुश्किल से, ठीक है दरवाजा खोलो आओ। चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आजो आजो। ओ क्या हुआ? पकड़ के इसको केज दूसरे केज में रखना था। मैंने क्यों पकड़ा हुआ था? इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी काम करवाती। मैं पकड़ के ला रही हूँ कि इसको पिजन वाली साइड पर शिफ्ट करते हैं। इसने इसने बाहर ही फेंक दिया इसको। नहीं बीमार होते। हाँ वाइट तो काफी ज्यादा हो गया, इनके कलर जो है ना वो काफी ज्यादा नीट हो गया। अब ओ आजा पा आजा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चीख तब तो मैसे रहे जैसे तुम्हें मैंने जबा करना है। वो टर्की बर्ड का काम चेक करो, इसको नीचे उतारो अनुज। चलो अरु ये दरवाजा खोलो, ठीक है। चलो भाई तुम्हारा नया हाउस, और दूसरे को पकड़ के लाओ जो तुमने नीचे फेंक दिया ना, जिसको नीचे छोड़ दिया था उसको पकड़ो। यस यस, ओहो चलो छोड़ दो, बाकी काम जो है ना मैं खुद ही कर लूँगी। और यहाँ पर जाली लगी है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? चलो भी दोनों जो है ना मेल फीमेल यानी कि जोड़ा पूरा चला गया। मोरू भी, हाँ मेरे मोरू को पता नहीं बोलना, कमजोर नहीं बोलना, ठीक है वो तो। अब यहाँ से ना है नजली वाला, नजली नजला वाला ठीक हो गया। तो फाइनली अभी हम लोग ये जो केज है इसको बाहर लेके जाते हैं, टाइम आ गया अब, ठीक है। इसमें से ना सारे बर्तन जो है ना पानी वाले और दाने वाले बाहर निकाल दो, ताकि वो हमारी बूथियों पर दाना और पानी जो है ना वो ना पड़े। और पिट्ठे जो इनकी हैं माशाल्लाह से वो तो बहुत ही। तो गाइज हम लोगों ने ये केज ना बाहर निकाल लिया। आज उठाने में ना इतना हैवी नहीं था लग रहा हमें, और उसकी वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोगों ने पिछले व्लॉग में हम लोगों ने केज को उठा के बाहर रखा था ना, उस दिन बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो उस दिन हुआ क्या था कि ना नीचे वाला जो केज है ना वहाँ पर दो ईंटें पड़ी हुई थी केज के अंदर, इस तरह की दो दो रोड़े पड़े हुए थे, और मैंने बाहर ही निकाले। मैंने कहा यार इतना हैवी क्यों लग रहा है, इतना भारा क्यों लग रहा है, हालांकि इतना भारा होना नहीं चाहिए, इतना वजन ही होना चाहिए, मगर उस दिन दो ईंटें पड़ी हुई थी इसलिए वो हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था। आज ना ये पूरा खाली है, तो आज तो भाई साहब ये चुटकियों का काम है, ऐसे उठा रही है मैंने और यमुना ने। तो चलो अब इसको हम लोग ने यहाँ से उठाना है और भाई साहब दूसरे केज में शिफ्ट करना है। तो गाइज ये केज ना मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी ये जो स्टिक है ना इसको भी ना कहीं असम्बल करके रखते हैं। और भाई साहब जिसका डर था वही हो गया, इसने ना यहाँ पर अंडा दे दिया हुआ है, और वो अंडा जो है ना वो फिसल के ना ये इसके साथ स्टिक के साथ लगा हुआ है, यानी कि पिजन्स के नीचे नहीं है वो। ओहो अभी सारा कुछ जो है ना वो सही, उसको सही सही तरह से रख करना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो लकी कबूतर हैं इन्होंने भी ना मिट्टी के अंदर अपना नेस्ट जो है ना वो भी बनाना शुरू कर दिया हुआ था, तो अभी इनको ना अकल आ जाए कि हम लोगों ने ना अपना जो दोबारा से हमारा पहला वाला जो नेस्ट था ना वहाँ पर ये चले जाएँ इस केज में, या इनको खुद ही ना एक दो दिन ना यहाँ पर बंद करते हैं, ताकि इनको ना इस केज की ना पहचान हो जाए दोबारा से, और ये वहाँ पर जाकर ना अंडे दें मिट्टी के अंदर ना बैठे। और वो देखो वो जो नीचे है ना ब्राउनी हमारी, वो तो चली गया केज में, क्योंकि उसको पता था मैं शुरू से केज में रही हूँ ब्राउनी, मगर इसका जो ब्लैक ही है ना वो इस टाइम नहीं है यहाँ पर। खैर कोई नहीं, उसका भी कोई हिसाब किताब लगाते हैं। अभी मैं जो स्टिक वगैरह है ना इसके अंदर सही करती हूँ, तो आप लोगों से ना कल मुलाकात होती है, ठीक है, नए दिन की। पहले यहाँ पर था, ठीक है, उसने वहाँ पर छलांग लगाई। मैंने अपने भाई को बोला कि इसने ना उधर चल जाना, कहता नहीं कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता, जाने तो जाने दो। टर्की बर्ड ने कहा ठीक है, उसने चारपाई से दीवार पर छलांग लगा दी। मैंने फिर अपने भाई को बोला कि उसने आगे चले जाना, वो कहता नहीं कुछ नहीं होता, और अब टर्की बर्ड ऊपर चला गया। अब भाई कुछ नहीं होता। सॉरी, मुझे नहीं था पता कि आप कैमरे के सामने नहीं आते हैं। अच्छा अभी टर्की का क्या करना है, अपनी शाइनेस को ना थोड़ा सा दूर रखे। अब
ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ